अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये डाटा मुझे सेंड किया गया है, सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि उनके पास ये डाटा है, उनको इनके बैकग्राउंड में गूगल इमेज चाहिए, मगर वो जब गूगल इमेज ऑनलाइन इमेज लेके सेव कर रहे हैं और उस फाइल को वो अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज जो है वो मिस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं कि आप एक पीसी से दूसरे पीसी में इसको शिफ्ट भी करें तो वो मिसिंग ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको मैप ऑन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैप हमारे पास बैकग्राउंड में आ गया है। यहाँ पे हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर एरिया। मैं इसको व्यू पोर्ट पर ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया है यहाँ पर, और अभी इस मैप को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये थोड़ा सा डल है, तो इसको आपने यहाँ पे ऑप्टिमल से वेरीफाइन पे करना है, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने इसको सेव करना है, तो सेव करने से पहले आपने एक्सपोर्ट करने से पहले आपने इसको सेव करना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और बाद में आपने ये जो सिविल 3D मेन्यू है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक पब्लिश की ऑप्शन है, पब्लिश के ऑप्शन पे जैसे ही आप माउस कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो मेन्यू अपीयर होगा वहाँ पे है ई ट्रांसमिट, ओके। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्राइंग के साथ हमारे जेपेग फाइल की एक ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये टेक्स्चर है जिससे मिलकर ये गूगल इमेज बना है, ठीक है। तो ये अटैच हो गया हमारा इसके साथ, और यहाँ पे जो सर्फस है, सर्फस को मैंने उन्होंने जो मुझे फाइल भेजी है उसको मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट करके री इम्पोर्ट किया है। तो उसके साथ अभी जो मैंने एक्सेल फाइल जो है मेरी सरफस के साथ, समटाइम ये होता है कि आप डाटा अटैच करते हैं एक्सट्रैफ हो या एक्सेल फाइल हो सरफस का, ठीक है, तो वो भी दूसरे सिस्टम में जब आप फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये मिसिंग हो जाता है और समटाइम प्रॉब्लम करता है। तो मैंने इसको भी इसके अटैच किया है इसके साथ, ये ऑटोमेटिक इस मेन्यू में अटैच होके आ रहा है। मैंने जस्ट इससे फाइल से ये सरफस बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आ रहा है, मैं इसको यही बाय डिफॉल्ट करके ओपन ओके करता हूँ। और यहाँ पे मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ड्राइंग टू के नाम से ये स्टैंडर्ड जिप फोल्डर बनेगा, ओके। सेव कर देता हूँ, फाइल हमारी सेव हो रही है, सेव हो गई है। यहाँ पर अगर अभी हम देखें फोल्डर में तो यहाँ पर ये फाइल क्रिएट होके आ गई है, ठीक है। अभी इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये जो है हमारी फाइल भी आ गई है, और सरफस में जो हमारी एक्सेल फाइल थी वो भी अटैच होगी, और यहाँ पे इसका एक ये टेक्स्ट फाइल बना है जिसके साथ ये सारी चीज़ें लिंक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, आप जो भी है अपना डाटा अगर आपने एक पीसी से दूसरे पीसी में शिफ्ट करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इससे आपका डाटा में कम से कम जो है चीज़ें मिसिंग होंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।